हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। और हम लोग डीपी इस समय जो प्रज्वलित मुद्दा है, पीसीआई सोई हुई है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि जब तक एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। ना तो हम ये कह सकते हैं कि होगा और ना हम ये कह सकते हैं कि नहीं होगा। जैसे कि गाइडलाइंस कहती हैं, हम ये मानेंगे कि होगा। तो डीपी पढ़ना आवश्यक है और ये परम सत्य है। डीपी का सिलेबस आप सबके पास है। और चूंकि फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा रहा था और फार्मास्यूटिक्स मेनली जो है वो बैचलर वालों के लिए जाता है, क्योंकि वही इंडस्ट्रियल वे में अपने आप को तैयार करते हैं। डिप्लोमा वालों के दिमाग में जो चल रहा होता है वो ये होता है कि जनरली मेडिकल स्टोर खोल लेंगे या हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्किंग करेंगे और एनी अदर लोअर लेवल, बिकॉज डिप्लोमा इज़ जस्ट अ लोअर पार्ट ऑफ फार्मेसी। सो क्यों ना कुछ ऐसा लाया जाए जो आपके लेवल का हो और आपके स्कोप का हो। फार्मास्यूटिक्स अच्छी बात है, वो बढ़िया चल रही है, लेकिन फार्माकोलॉजी भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जिससे आपको अपनी बेसिक दवाइयों की डिटेल पता हो, उनका डोसेस फॉर्म, उनका स्पेशली इंडिकेशन, डोसेस फॉर्म एंड इंडिकेशन। डोसेस फॉर्म मीन्स वो टैबलेट में है, कैप्सूल में है, तो ये सब बता रही है फार्मास्यूटिक्स। और कोलॉजी में आपको क्या पता चलेगा, इंडिकेशन और एक्शन थोड़ा बहुत कि एक ड्रग अंदर जाके करती क्या होगी, तब तो आप फार्मासिस्ट हैं, वरना तो एक 6 पास 8 पास आदमी को लगा देंगे देने के लिए। वो प्रेस्क्रिप्शन आएगा, उसमें देखेगा PAR माने पैरासीटामोल होगा, दे दो। ऐसे ही चलता है हमारे देश में। ओके, तो फार्माकोलॉजी एक नई सीरीज़, ड्रग एक्टिंग ऑन द आई विथ द सीरीज़ नेम इंटरेस्टिंग ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली इसके 2-3 लेक्चर मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिए थे और फिर मुझे लगा कि उन लेक्चर से पहले एक ओवरव्यू लेक्चर मुझे डालना चाहिए और तब आपको वो लेक्चर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो आई हैव रिकॉर्डेड दिस एंड इन दिस वे वी कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर डी फार्मा सेकेंड ईयर। ये लेक्चर डी फार्मा सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है, डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम वालों के लिए भी है और जनरल ओवरव्यू है बाकी सारे उसके सारे मेडिकल और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो फर्स्ट वन इज माइड्रियाटिक्स। माइड्रियाटिक्स एक ऐसा कह सकते हैं आप लोग, ऐसी ड्रग्स हैं जो कि डायलेशन ऑफ पपल्स कॉज करेंगी, ठीक है। और यही चीज़ें थी जो मैं आपको जब स्पेसिफिक और डिटेल लेक्चर दे रहा था, वो जो 3 लेक्चर मैंने इससे पहले अपलोड किया, मिलेंगे आपको बाद में, तो उनमें यही चीज़ें मैं देख रहा था कि ओवरव्यू नहीं बना था, मैं पढ़ा रहा था बट आप ज़मीन से नहीं ले पा रहे थे, जड़ से नहीं पकड़ पा रहे थे। तो जड़ अब है और उसके बाद नींव अब है और उसके बाद दीवाले मैं बाद में अपलोड करूँगा और छत डाल लें काम आपका पढ़ के। सो द ड्रग्स विच प्रोड्यूस डायलेशन ऑफ पपल्स आर कॉल्ड माइड्रियाटिक्स। एग्जाम्पल एंड्रेनालिन, एफिड्रीन, कोकीन, एट्रोपिन और होमेट्रोपिन। ये ड्रग्स और ये नेम्स, बस ये डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लीजिए, बाकी कौन कैसा है और क्या ट्रिक है वो सब कुछ आपको अगले लेक्चर्स में मिलेगा। अगली डेफिनेशन की बात करें, दीज फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स व्हेन इंस्टॉल्ड टॉपिकली और एडमिनिस्टर्ड, और करके लिखा हुआ है। एक जो डेफिनेशन है वो जनरल है और दूसरी डेफिनेशन टेक्निकल है। तो आपको जैसी डेफिनेशन याद करनी है अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको याद कर लीजिएगा। सो जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट टॉपिकली एडमिनिस्टर्ड या एक्सटर्नली एडमिनिस्टर्ड करने पे पीपल को डायलेट कर दें, वो माइड्रियासिस या माइड्रियाटिक्स कहलाते हैं, ठीक। माइड्रियासिस कॉज करते हैं और कहलाते हैं माइड्रियाटिक्स। तो ये 2 डेफिनेशन हो गई, इन दोनों में देख लेना जो अच्छा लगे। मैकेनिज्म की एक बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ ऊपर ऊपर से जस्ट टच करेंगे और डिटेल फर्दर लेक्चर्स में जाएंगे। मैकेनिज्म, व्हेन माइड्रियाटिक्स आर इंस्टॉल्ड इन आई इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर। ये क्या करेगा, सर्कुलर मसल फाइबर को रिलैक्स करेगा और कॉज करेगा टाइटनिंग ऑफ रेडियल मसल फाइबर। मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ कि आप 10th लेवल तक बायोलॉजी पढ़े होंगे, मे बी 12th में आपने मैथ ली हो, बट आपको बेसिक बायोलॉजी की नॉलेज है, सर्कुलर मसल फाइबर, रेडियल मसल फाइबर, इन चीज़ों का बारे में जानकारी होगी। तो ये सर्कुलर मसल फाइबर को रिलैक्स करेंगे और रेडियल मसल फाइबर्स को टाइट करेंगे, ठीक है, जिससे डायलेशन होगा। दिस कॉजेज फ्लैटनिंग ऑफ लेंस, इससे क्या होगा, लेंस फ्लैट हो जाएगा और इसी चीज़ को बोलेंगे माइड्रियासिस। आपने शायद ह्यूमन आई का डायग्राम कई बार देखा होगा, बनाया भी होगा, क्योंकि आता है 10th लेवल पे ही ह्यूमन आई का डायग्राम आता है, तो उसमें जो लेंस आपको दिखता है वो क्लियर कट दिखता है, लेकिन अगर वो फ्लैट हो जाएगा लेंस तो फिर वो लेंस सही नहीं दिखेगा और अपना काम नहीं कर पाएगा। वो लेंस कौन सा लेंस होता है आपको वो टाइप करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ माइड्रियासिस द फोकल लेंथ इज़ ऑल्सो इंक्रीज।
अब आपने लेंस के बारे में पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ रखी होगी, तो क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्लैटनिंग बढ़ेगी वैसे वैसे फोकल लेंथ बढ़ेगी, विच फिक्सेस द साइट फॉर फार विजन, जो कि दूर की वस्तु को ठीक दिखाएगा, दैट इज पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन पास की वस्तु को नहीं दिखा पाएगा। फोकस दूरी बढ़ेगी, पास की चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। वैसे नॉर्मल फोकस दूरी ह्यूमन आई की कितनी होती है, वो है शायद 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग पास से पास की चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन 25 से पास जैसी आनी चीज़ें दिखाई आनी अंदर आती हैं 25 सेंटीमीटर से पास आप लेके आएंगे, अपनी स्क्रीन को ही लेके जाएंगे, तो आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखेंगी। तो अगर इस फोकस दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आपको बहुत पास की चीज़ें भी दिखना बंद हो जाएंगी, उसी तरह की चीज़ें, बिकॉज ऑफ माइडोसिस ये हो गया, एंड दिस इज़ नोन एज साइक्लोप्लीजिया। और इस जो है फिनोमिना को, पास की चीज़ें ना देखने के फिनोमिना को साइक्लोप्लीजिया बोलते हैं। ये दूसरा मैकेनिज्म है इन डेप्थ और इन टेक्निकल लैंग्वेज। पीपल इज सप्लाइड बाई पैरासिम्पथेटिक एज वेल एज सिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स। यहाँ हम टेक्निकली आ गए, फार्मेसी की लैंग्वेज में आ गए। पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक दो नर्वस सिस्टम हैं जिनके बारे में अगले लेक्चर्स में भी आपको बताऊंगा, एंड आई होप सो कि आप पहले से इनको पढ़कर आए होंगे इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। द पैरासिम्पथेटिक सप्लाईज थ्रू ऑक्यूलोमेटर नर्व एंड सप्लाईज टू कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपली। द सिम्पथेटिक सप्लाईज थ्रू सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन एंड सप्लाईज टू डायलेटर प्यूपली। पहले ही मैंने इसीलिए आपको जनरल मैकेनिज्म बता दिया, आप वो पढ़ लीजिए अगर आपको केवल आसानी समझ में, और आपको डेप्थ में जाना है, स्पेसिफिक टर्म्स की आपको जानकारी है, तब आप यहाँ आइए और तब आकर इसको पढ़िए, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। द सिंपथेटिक सप्लाईज थ्रो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन एंड सप्लाईज टू डायलेटर प्यूपली। व्हेन माइड्रेटिक्स आर इंस्टिल्ड इन आई, इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपली। टेक्निकल टर्म दैट इज सर्कुलर मसल फाइबर। कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपली बोलते हैं सर्कुलर मसल फाइबर को, मैंने आपको वहाँ केवल सर्कुलर मसल फाइबर बताया जनरल वाले में। एंड कॉजेज टाइटनिंग ऑफ रेडियल मसल फाइबर दैट इज डायलेटर प्यूपलाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिस कॉजेज फ्लैटनिंग ऑफ लेंस एस माइड्रेटिक्स। और बाकी कहानी वही का वही, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फलाना दिखाना, थोड़ा सा टेक्निकल था बस, इसलिए उसको मैंने डेप्थ बोला। थेरापेटिक एप्लीकेशन देखें माइड्रेटिक्स के, यानी जो माइड्रेटिक्स ड्रग्स आएंगी अगले लेक्चर में आपको पता लगेगा कि वो ड्रग्स क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन। तो ये माइड्रेसिस कॉज कराती हैं और ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होती हैं। मायोटिक्स, अब अगली ड्रग के बारे में जानते हैं। तीन आपके में आनी है ड्रग्स, माइड्रेटिक्स, मायोटिक्स और एक और कोई है शायद, तो देखते हैं अभी क्या है आगे। मायोटिक्स द ड्रग्स विच प्रोड्यूस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपली, वहाँ डायलेशन और जहाँ ठीक उल्टा कॉन्स्ट्रिक्शन, आर कॉल्ड मायोटिक्स। और इनमें जो ड्रग्स के नाम हैं वो अभी छोड़ दीजिए, वो चूँकि अगले लेक्चर में मैं आपको ब्रीथ क्लासिफिकेशन एंड ब्रीथ ट्रिक्स अपलोड करने वाला हूँ। दीज फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स विच व्हेन इंस्टिल्ड इन द आई कॉजेज रेडिएशन एंड साइज ऑफ पपल मायोसिस रिडक्शन, सॉरी कॉजेज रिडक्शन। यहाँ पीपल का साइज रिड्यूस होगा, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा पीपल का। ये शॉर्ट में मैकेनिज्म, When myotics are instilled in eye, it causes contraction of circular muscle fibers and relaxation of radial muscle fiber. यहाँ ठीक उल्टा होगा, वहाँ जिसका relaxation हो रहा था यहाँ उसका contraction होगा, और जिसका वहाँ contraction हो रहा था इसका वहाँ relaxation होगा, just opposite to each other. This causes marked reduction in size of pupil, which is referred as meiosis. यहाँ वो lens और मोटा होगा, which because of meiosis, focal length of pupil is also reduced. और जब एक बात समझो कि लेंस का एक पलड़ा अगर अब दूर होता जाएगा तो फोकस दूरी भी तो अंदर आएगी, जो 25 थी वो और नज़दीक आ जाएगी, वो कहाँ पहुँच जाएगी, 20 18 के आसपास। तो क्या होगा, पास की चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देंगी, और इसी चीज़ को बोलेंगे पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये दो नंबर में क्वेश्चन, या ऐसा मान लीजिए आप डीपी के स्टूडेंट हैं तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू विच। सो द राइट आंसर इज़ मायोटिक्स। इन डेप्थ देखें तो यहाँ वही चीज़ें होंगी जो मिलती जुलती वहाँ थी। पीपली इज अप्लाइड बाई पैरासिम्पथेटिक एज वेल एज सिम्पथेटिक नर्व फाइबर, तो ये इसको अपने आप से देख लेना, यहाँ टेक्निकल टर्म्स होंगे बस इतना चेंज आएगा। थेरापेटिक एप्लीकेशन की बात करें तो ग्लाकोमा का ट्रीट करने के लिए एडेसन बिटवीन इट्स लेंस, जो लेंस चिपक रहे होते हैं कई केसेस में क्या होता है, नेचुरली ये होने लगता है, स्पेशली इन ओल्डर एज पेशेंट नेचुरली उनका लेंस क्या है, छोटा होने लगता है, इसलिए उनको चीज़ें दिखाई देनी बंद हो जाती हैं दूर की, तो उनको ट्रीट करने के लिए ये कर सकते हैं। टू कंट्रोल माइड्रेसिस एंड साइक्लोप्लीजिया प्रोड्यूस बाई एट्रोपिन, और अगर पिछले वाले केस में कुछ हो गया तो सबको भी कंट्रोल कर सकते हैं।
माइड्रेटिक्स अगर हो गया तो मायोटिक वाली ड्रग देंगे, और मायोटिक हो गया तो माइड्रेटिक वाली ड्रग देंगे, ऐसे समझ लो बस, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, नाम ही लग रहा है। और बस ये बचा है ग्लॉकोमा, और ग्लॉकोमा और माइड्रेटिक्स थोड़े से मिलते जुलते हैं। ग्लॉकोमा इज़ एन ऑक्युलर डिजीज इन विच इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर इज इंक्रीज, आँख के अंदर इंट्रा ऑक्युलर इज इंक्रीज, बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व्स जो प्रोड्यूस करती हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो होंगी उनको डैमेज होगा और विजुअल लॉस होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट बहुत देखा जा रहा है आजकल। तो डैमेज टू ऑप्टिक नर्व एंड विजुअल लॉस इज प्रॉब्ली ड्यू टू इस्कीमिया, या तो इस्कीमिया होगा, व्हाट इज इस्कीमिया, डिफिशियंट ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड अभी हम आई की बात करें तो आई इस्कीमिया मान लो, ऑप्टिकल इस्कीमिया मान लो, एंड मे बी ड्यू टू डायरेक्ट प्रेशर ऑन नर्व। ग्लॉकोमा इज अ मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, और ग्लॉकोमा से ही 40 साल के बाद जितने लोगों को दिखाई नहीं देता। तो देयर आर टू मेजर टाइप्स, ओपन एंगल एंड नैरो एंगल। व्हाट इज दिस, ये आप अपने एंड से देखेंगे, और आगे के लेक्चर्स में मैं ग्लॉकोमा पे एक वीडियो डालूंगा, तब आपको पता लगेगा। अब तब तक के लिए आप बस इस ओवरव्यू को समझिए और वेट करिए आगे के लेक्चर्स को आने का, क्योंकि मैंने वो पहले बना लिए हैं, उसके बाद ये ओवरव्यू के तौर पर एक मोटा मोटा डाला, जिससे आप एक छोटे से वीडियो में सब कुछ पा सकें। देखिए 10-11 मिनट के वीडियो में तीनों हो गए, और उनकी ड्रग्स भी मैंने दे दी। जनरल आप अगर फेल पास होने के लिए पढ़ते हैं तो इतना काफ़ी है, और डिटेल में जाने के लिए आगे के लिए रुके रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं आगे की वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इफेक्ट कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।